दोस्तों, पुराने समय से लेकर अब तक खाने को लेकर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। पहले भोजन भूख मिटाने, ऊर्जा प्राप्त करने और स्वस्थ रहने के लिए किया जाता था, लेकिन आज हम सभी लोग सिर्फ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि स्वाद में अच्छी लगे और देखने में भी खूबसूरत नज़र आएं। शरीर के अंदर जाने के बाद हमारी सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानते हुए भी हम लगातार इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं। चीनी भोजन में मिठास लाने के लिए एक ऐसी वस्तु है जो कि पूरी दुनिया में पाई जाने वाली आज 60% से भी ज़्यादा बीमारियों की वजह बन चुकी है और इससे फैलने वाली बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वजह है उन लोगों का चीनी ना छोड़ पाना, क्योंकि जब भी लोगों को शुगर कम करने की सलाह दी जाती है तो उन्हें यही लगता है कि मीठा खाना बंद करना होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि मीठा और चीनी दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक व्यक्ति मीठा तो भरपूर मात्रा में खा सकता है लेकिन चीनी बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिंग का यह कहना है कि चीनी हमारे शरीर पर शराब यानी कि अल्कोहल की तरह असर दिखाती है और उतनी ही खतरनाक भी है। रॉबर्ट लस्टिंग मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा एक जाना माना नाम है। यह वही व्यक्ति है जिन्होंने देश में चीनी के सेवन से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लीवर और दिल की बीमारियों के चलते शुगर के इस्तेमाल के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। चीनी के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप भोजन में चीनी जैसी मिठास पा सकते हैं और वे सेहत के लाभकारी भी हैं, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं चीनी इतनी खतरनाक क्यों है। आजकल दुनिया भर के लोग इससे पीछा छुड़ाने के लिए शुगर फ्री चीज़ों का ज़्यादा सेवन क्यों कर रहे हैं। चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है, लेकिन गन्ने के रस से लेकर चीनी के क्रिस्टल बनने की पूरी प्रक्रिया में इसके सभी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और साथ में इसमें कई तरह के हानिकारक केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। पोषक तत्वों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो चीनी में मीठे और केमिकल के अलावा कुछ भी नहीं होता और इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा शून्य है। जब हम कुछ खाते हैं तो उसे पचाने की प्रतिक्रिया दांतों में चबाते समय शुरू हो जाती है, लेकिन चीनी खाने पर ऐसा नहीं होता। चीनी पेट में जाने के बाद भी ठीक से नहीं पचती और यहाँ तक कि हमारी आंतें भी इसे पूरी तरह पचाने में असमर्थ होती हैं। यही वजह है कि चीनी से बनी चीज़ों का एक निवाला भी हमारे शरीर में वजन बढ़ाता है। शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने पर त्वचा में झुर्रियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, यानी कि ज़्यादा चीनी का सेवन हमें जल्दी बुरा बना देता है। चीनी एसिडिक होती है, इसलिए चेहरे और शरीर पर होने वाले एक्ने यह भी चीनी के अधिक इस्तेमाल के नतीजे ही हैं। चीनी से बने ड्रिंक जैसे कि शरबत, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इनका सेवन करने से डायबिटीज होने का खतरा 83% बढ़ जाता है। ज़्यादा चीनी के सेवन से इंसुलिन का संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाता है और साथ ही मीठी चीज़ें दांतों में सड़न और पीलेपन को बढ़ावा देती हैं। चीनी का असर हमारे दिमाग पर भी होता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को चीनी की वजह से मीठा खाने की आदत पड़ जाती है और जो लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते उन्हें भी थोड़े टाइम बाद मीठा पसंद आने लगता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे बार बार खाने का मन होता है और हर बार इसे खाने की इच्छा पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पेट और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमने वाली चर्बी चीनी का हमारे शरीर पर होने वाला सबसे बुरा प्रभाव दर्शाती है, क्योंकि चीनी की वजह से जमने वाली चर्बी से हमें दिल की बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों की समस्या, गठिया, यूरिक एसिड, किडनी और कैंसर जैसी 60 से ज़्यादा बीमारियाँ होने हमें हो सकती हैं। चीनी के हमारे शरीर पर जितने नुकसान बताए जाए उतने कम हैं, लेकिन इसके बावजूद सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक मिठाई, जूस और हलवा, इस तरह के पकवान बनाते समय चीनी का ही इस्तेमाल करते हैं। कैसा रहेगा अगर चीनी की जगह ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो हमें नुकसान पहुँचाने के बजाय फ़ायदा पहुँचाए, तो ये जानते हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका हर तरह की बनाई गई चीज़ों में नेचुरल स्वीट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले है देसी खांड और मिश्री। देसी खांड और मिश्री का सेवन वैसे तो पुराने समय से किया आता रहा है, लेकिन चीनी आ जाने के बाद लोग इन्हें भूल चुके हैं। गन्ने का रस को गर्म करके लगभग 3 दिनों तक लगातार हिलाया जाता है, उसके बाद इसे वॉशिंग मशीन की तरह घूमने वाली मशीन में तेज रफ्तार में घुमाकर इसे पानी और दूध की मदद से साफ किया जाता है, जिससे कि इसमें जमी सारी गंदगी साफ हो जाती है और सूखने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है।
इस तरह से देसी खांड बारीक रवे के जैसे पाउडर के रूप में तैयार होती है। मिश्री बनाने के लिए तैयार खांड को गर्म करके पिघलाया जाता है और उसमें धागे को डालकर क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है। बाजार में जो चकोर छोटे और आकार की मिश्री मिलती है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वह भी चीनी का एक बड़ा रूप है। हमेशा केवल धागे वाली बड़े आकार की मिश्री का ही प्रयोग करें। यह दोनों ही चीज़ें आपको राशन की दुकान पर या पंसारी की दुकान में कम दामों में आसानी से मिल जाएंगी। मिश्री और खांड हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है, इसलिए आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर किया जाता है। चीनी में जहाँ कोई खनिज लेवल नहीं पाया जाता, वहीं खांड और मिश्री पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है, क्योंकि इन्हें चीनी की तरह रिफाइंड नहीं किया जाता और इन दोनों ही को ही चीनी की जगह मिठास के लिए लस्सी, खीर, हलवा, मिठाई और चाय आदि चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, डाइट्री फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। दूसरी है दोस्तों कोकोनट शुगर। देसी खांड और मिश्री की तरह कोकोनट शुगर भी पूरी तरह अनरिफाइंड होती है, यानी कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा सफाई धुलाई और केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। कोकोनट शुगर बनाने के लिए पहले नारियल के पेड़ के फूलों और डंडे से मीठा पानी इकट्ठा किया जाता है, उसे पकाने के बाद ठंडा करके जमा दिया जाता है। कोकोनट शुगर में कैलोरीज आम शुगर के बराबरी होती है, लेकिन इसे हमारा शरीर आसानी से पचा सकता है और इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यह साधारण चीनी की तुलना में बहुत ज़्यादा हल्की होती है। इसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरी है दोस्तों डेट्स शुगर। डेट्स शुगर यानी खजूर को भी मिठास के लिए चीनी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डेट्स शुगर घर पर भी बनाई जा सकती है, या फिर आप चाहे तो इसे मार्केट में बना हुआ भी खरीद सकते हैं। सूखे हुए खजूर के बीज निकाल कर इन्हें हल्का सा भून लें और मिक्सचर में इसको चलाकर इसका पाउडर बना लें। पाउडर बन जाने के बाद किसी जार में भरकर रख लें। हालांकि खजूर से बने इस मीठे को चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका खुद का भी एक अलग फ्लेवर होता है और फाइबर की अधिकता की वजह से यह तरल में पूरी तरह से घुल नहीं पाता। फिर भी इसका इस्तेमाल गर्म दूध में मिलाकर मिठाइयाँ, स्वीट डिश, खीर, हलवा, मीठा दलिया आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेट्स शुगर को रेगुलर शुगर का सबसे हेल्दी अल्टरनेटिव माना गया है, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके इस्तेमाल से शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही यह हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। दोस्तों गुड़। गुड़ भी चीनी की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ठंड में या फिर बरसात के मौसम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पोषक तत्वों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो गुड़ में मिठास, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा मिश्री, खांड और कोकोनट शुगर से कहीं ज़्यादा होती है। इसके इस्तेमाल से नसों में ब्लॉकेज को ठीक करने और लीवर की सफाई करने में मदद मिलती है। और पांचवी चीज़ है दोस्तों रॉ हनी। रॉ हनी यानी कि कच्चा शहद मिठास का एक अच्छा स्रोत है, बल्कि यह हमारी सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। लेकिन मार्केट में आजकल मिलावट वाले शहद की बिक्री बढ़ने की वजह से अक्सर लोग इससे मिलने वाले फ़ायदों से पूरी तरह वंचित हो जाते हैं। शहद के फ़ायदों को नहीं समझने की गलती कर देते हैं। शहद कभी ख़राब नहीं होता, फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसे रिफाइंड करके बेचती हैं। इसलिए हमेशा ऐसे शहद का इस्तेमाल करें जिस पर अनरिफाइंड या रॉ हनी लिखा हुआ हो। पर अगर हो सके तो अपने क्षेत्र में लोकल शहद निकालने वालों को पता लगाकर उससे ही कच्चा शहद खरीदें। शहद शरीर में हर तरह की एलर्जी को ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और साथ ही मैनेजमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताई गई या एक से अधिक चीज़ों को अलग अलग जगह पर चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने से चीनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। चीनी को छोड़ देने से मोटापा और डायबिटीज का खतरा कम होता ही है, साथ ही एसिडिटी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और माइग्रेन जैसे बीमारी से भी बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों ये चीज़ें बताई हैं, ये चीनी की तरह बिल्कुल खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी मिठास की वजह से इनमें कैलोरीज की मात्रा चीनी से बहुत ज़्यादा कम नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में किसी भी मीठे पदार्थ का सेवन करने से हमें परहेज करना चाहिए। तो ये दोस्तों आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें मेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।